बेटा आपका जो टॉपिक है इट इज़ अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या होता है, कोई भी रिएक्शन की रेट है ना इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर बोला जाता है, मीन्स आई शुड से रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और बेटा ये रेट और टेम्परेचर का रिलेशन अरेनियस साहब ने दिया था बाय गिविंग हिज इक्वेशन कॉल्ड एज अरेनियस इक्वेशन। व्हाट इज दैट? के इज इक्वल टू ए इंटू स्मॉल ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। बेटा ये के क्या है जानते हो? रेट कांस्टेंट है। ए क्या है? अरेनियस कांस्टेंट है। ई एक्सपोनेंशियल की पावर, पावर क्या दिया बेटा? ई ए, ई ए मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बाय आर कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट टी टेम्परेचर। बेटा ये अरेनियस की इक्वेशन है और इस अरेनियस की इक्वेशन ने रिलेशन बिटवीन, बेटा इन्होंने रिलेशन बिटवीन व्हाट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट विद द टेम्परेचर बताया। हमको इतना बताना है कि जनरली एक स्टेटमेंट दिया जाता है बेटा, जनरल स्टेटमेंट है, जनरली जनरली रेट ऑफ रिएक्शन, बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स और ट्रिपल, रेट ऑफ रिएक्शन डबल भी हो सकता है या ट्रिपल भी हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल और ट्रिपल ऑन इंक्रीजिंग, ऑन इंक्रीजिंग और ऑन इंक्रीजिंग 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। और वी कैन से दैट रेट ऑफ रिएक्शन डबल और ट्रिपल ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। अगर रिएक्शन का, कोई भी रिएक्शन का अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा लो ना तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन या तो डबल हो सकती है या तो ट्रिपल हो सकती है। सर ये डबल ही होगी या ट्रिपल ही होगा ये कौन डिसाइड करेगा? बेटा डबलिंग एंड ट्रिपलिंग वर डिसाइडेड बाय टेम्परेचर कोफिशियंट्स, टेम्परेचर कोफिशियंट्स। और जानते हो बेटा टेम्परेचर कोफिशियंट को न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू। और ये जो न्यू होगा एक्चुअल में मेरे पास के है एट टी डिग्री सेंटीग्रेड है, के रेट कांस्टेंट है टी डिग्री में। अब मैंने टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा लिया तो टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये वैल्यू जो रेशो आ रहा इनका, अब वो कितना आ रहा भाई? हो सकता है वो 2 आ सकती है और हो सकता है वो 3 भी आ सकती है। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 2 है सो ऑन इंक्रीजिंग और ऑन राइज 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू 3 आ रही है ऑन 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो जाएगा। इज इट क्लियर बेटा? अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन और इन द रेट कॉन्सन इट डिपेंड्स ऑन वॉट? टेम्परेचर कोफिशिएंट वैल्यू एंड इट इज़ द रेशियो ऑफ के टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड बाई के टी। अगर इसकी वैल्यू अप्रॉक्सिमेटली 2 आ जाए तो 10 डिग्री बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो सकता है, या इसकी रेशियो अगर 3 आ जाए तो 10 डिग्री बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो जाएगा। राइट इतना लिख दो बेटा, मैं इसके न्यूमेरिकल्स करा के देता हूँ आपको, कैसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते दैट वन बेट लो बेटा। अभी ये जो सवाल है टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है बेटा। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है मतलब इसका मतलब समझ में आ रहा आपको? अगर मैंने रिएक्शन को 10 डिग्री से बढ़ा लिया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है ना। अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 आ जाए फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ट्रिपल। अभी टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 दे रहा फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डबल। एंड इफ द रेट ऑफ रिएक्शन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड में एक्स है व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट 80? बेटा ये जो रेट ऑफ रिएक्शन आर इज इक्वल टू के रेट कॉन्स्टेंट होता है ना, ये दोनों सेम है, आर इज इक्वल टू के लगा सकते हो। लेकिन यहाँ देखो आप शुरू कर रहे हो 20 डिग्री से, कहाँ तक जा रहे हो बेटा? 80। मतलब एवरी 10 डिग्री देखो 20 से 30, 30 से 40, देन इट बिकम 50, 60 और ये आ रहा 70 और ये आ रहा 80। बेटा यहाँ से यहाँ आ गए तो डबल हो गया, मतलब 1 टाइम, फिर यहाँ से यहाँ 2 टाइम, यहाँ से यहाँ 3, देन 4, देन 5 और देन 6 टाइम। मतलब ये जो मेरा रेट कांस्टेंट था यार, आर की वैल्यू जो थी बेटा इट इज़ इक्वल टू 2 की पावर क्या लगाना, कितनी बार इंक्रीज हुआ? 6 टाइम्स। तो 2 की पावर 6 कितनी होती है? 64। बेटा वो बोल रहा इट इज़ नॉट ओनली 2, इट इज़ एक्स टाइम ऑफ दैट, इट इज़ ए व्हाट? 64 एक्स।
तो आंसर शुड कम एज ए 64। बेटा ये एक लिख के देखने का ये तरीका है, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखाता हूँ, इसमें सीख लो। व्हाट इज दैट, अगर आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 दे दें और रेट ऑफ रिएक्शन दे दें और दूसरी रेट ऑफ रिएक्शन एट हायर टेम्परेचर पूछता है, तो जानते बेटा R इज इक्वल टू K होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट होती है, और रेट कॉन्स्टेंट जो K होता है बेटा, इट इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट, बोलो कितनी है, 2। तो मैं 2 लिख दिया, और 2 की पावर डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बाय 10, क्योंकि आप समझते हो बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट इज ए डिफरेंस बिटवीन KT प्लस 10 बाय KT है, तो बाय 10 ही जाएगा। 2 की पावर T2 माइनस T1 बाय 10, बोलो T2 मतलब हायर टेम्परेचर कितना है बेटा 80, T1 कितनी है लोअर टेम्परेचर कितनी है 20 बाय 10, चलो बोलो 80 माइनस 20 कितनी हो रही 60, बाय 2 की पावर 60 बाय 10 करा लो कितना आएगा 2 की पावर 6। सर 2 की पावर 6 कितनी होती है, इट बिकम 64। अगर आपका 2x होता है तो आंसर शुड कम एज ए 64x, सो आंसर शुड कम एज ए ऑप्शन नंबर 4। चलो बेटा ये इसी के जैसा और एक सेम मॉडल में आपको यहाँ दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए एंड गेट द आंसर। बेटा ये सेकंड सवाल देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 2 टाइम्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, मतलब हर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 दे दिया है। हाउ मेनी टाइम रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 30 to 80। बेटा एक सीधा सीधा वही अपना ट्रिक जो लगा है वही लगा लो, के इज इक्वल टू बोलो टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया है 2 टाइम, मतलब 10 डिग्री में 2 टाइम मतलब 2 हो गई, 2 की पावर क्या आ रही बेटा T2 माइनस T1 बाय 10, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर हायर टेम्परेचर कितना है 80, लोअर कितना है 30 बाय 10, 80 माइनस 30 कितनी होती है 50, 50 मतलब 50 बाय 10 कितनी 2 की पावर 5, बाय 2 की पावर 5 करके देखो कितना आ रहा 32 टाइम्स, द आंसर इज सेकेंड ऑप्शन 32 टाइम्स। इज इट क्लियर बेटा, ये सवाल में देखो रेट ऑफ रिएक्शन दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2.5 टाइम व्हेन द टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 300 to 310, मतलब टेम्परेचर यहाँ पर 10 डिग्री से बढ़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन 2.5 टाइम बढ़ गया है। इफ के इज द रेट कॉन्स्टेंट एट 300, वॉट इज द रेट कॉन्स्टेंट के एट 310 केल्विन। बेटा जो आपके पास फॉर्मूला था ना के इज इक्वल टू, और देखो रेट ऑफ रिएक्शन 2.5 टाइम बढ़ रहा है, तो बेटा जितनी टाइम से बढ़ेगा वो रहेगा, अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है तो 2 लगाओ, 2.5 टाइम बढ़ रहा है 2.5 लगाओ, बेटा रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो रही है तो 3 लगाओ, तो जितनी से बढ़ रही वो टेम्परेचर कोफिशिएंट लगाओ और उसकी पावर लगा दो T2 माइनस T1 बाय 10। अब बोलो 2.5 T2 310 T1 300 बाय 10 कितना आएगा बेटा 2.5 टाइम्स ऑफ 10 बाय 10, दैट इज इक्वल टू 2.5 टाइम, मतलब ये जो रेट कॉन्स्टेंट आ रही है इट इज कितनी आ रही है 2.5 टाइम आ रही है, कौन सी टेम्परेचर पे 310 केल्विन पे आ रही है। बेटा ये एक तरीका है, दूसरा और एक तरीका है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट। बेटा यहाँ इनिशियली मेंशन कर दिया रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस 2.5 टाइम्स दैट इज इक्वल टू के, तो देखो बेटा जितने टाइम से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है वही आपकी वैल्यू ऑफ के होती है, सो दिस इज अ वैल्यू ऑफ के एट विच टेम्परेचर एट 310 केल्विन। बेटा ये पसंद आया तो ये लिखो और ये पसंद आया तो ये लिखो, दोनों में से जो ठीक लगे वो लिखो, एंड द आंसर इज ऑप्शन 3 बेटा 2.5 टाइम्स ऑफ द के, राइट लिख लो इसे। बेटा ये सवाल देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 27 टाइम, मतलब इट इज अ फैक्टर ऑफ 3 होता है, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 30 केल्विन, मतलब इनिशियली कुछ टेम्परेचर होगा 30 केल्विन से बढ़ गया, देन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन इज, आपको याद है ये ट्रिक थी बेटा हमारी कि के इज इक्वल टू टेम्परेचर कोफिशिएंट, नहीं मालूम ना, उसकी पावर T2 माइनस T1 बाय 10, यही था ना बेटा। अब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय हाउ मेनी टाइम 27 टाइम, और आप जानते हो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के होता है, जो आर है वही के है, बाई के की जगह मैं लिखा दूँ 27, न्यू निकालनी है, T2 कितनी है बेटा
टेम्परेचर इंक्रीज बाय 30, मतलब ये हो गया 30 माइनस 0 बाय 10। भाई इसको सॉल्व करो, 27 इज इक्वल टू न्यू की पावर 30 माइनस 0, मतलब 30 बाय 10, न्यू की पावर क्या आ रही, 3। बड़ा न्यू की पावर 3 आ रही, मतलब ये 27 लाने के लिए, क्या मैं इसको ऐसे करूँ, दैट इज़ ए 3 की पावर 3 इट इज़ इक्वल टू न्यू की पावर 3 कर सकते हैं ना, है ना बेटा। 3 × 3 × 3 कितनी होती है, 3 × 3 9, 9 × 3 27, और ये न्यू की पावर 3। भाई दोनों के पावर सेम है, तो मैं बेस को सेम करा लूँ, तो मैं करा लूँ न्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा, दैट इज इक्वल टू 3, एंड दिस इज द आंसर। अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो दूसरा लगा लो, k इज इक्वल टू न्यू की वैल्यू बता रहा हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू, अगर मैं समझता हूँ कि वो 3 से इंक्रीज हो रही है, तो 3 की पावर क्या लिखूँ बेटा, t2 माइनस t1 बाय 10, दैट इज इक्वल टू 3 की पावर 30 माइनस 0 बाय 10, कितनी आ रही, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितनी होती है बेटा, दैट इज इक्वल टू 27। ऐसा भी करा लो। नहीं सर, अगर आपको चेक करना है ये 27 आ रहा या नहीं आ रहा, है ना बेटा, ये आ रहा मुझे 3 की पावर 3 इट इज़ इक्वल टू 27, आप k इक्वल टू 2 की पावर लगा के देखो, देखो बेटा k इक्वल टू 2 की पावर 30 माइनस 0 बाय 10, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितनी होती, 8 टाइम, लेकिन सवाल में 8 टाइम नहीं दिया है, कितना दिया है 27, तो ऐसा शुड बी व्हाट, दैट इज कोफिशियंट शुड बी इक्वल टू 3। या तो ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन, व्हाट इज दैट, मतलब फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा, ट्रिपल हो रहा है। इसको बनाओ बेटा, अभी जो देखेंगे दैट इज अबाउट द अरेनियस इक्वेशन देखेंगे, जिस तरह से मैंने बताया था अरेनियस इक्वेशन बेटा, इट इज यूज टू डिफाइन और टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन बाय दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। एंड व्हाट इज द अरेनियस इक्वेशन बेटा, दैट इज ए k इज इक्वल टू a इंटू स्मॉल e, मतलब एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ माइनस ई ए बाय आर टी। अच्छा, व्हाट इज अ के, के इज कॉल्ड एज ए रेट कॉन्स्टेंट, आप लिखते चलो बेटा इसे, व्हाट इज अ के, के इज कॉल्ड एज ए रेट कॉन्स्टेंट बेटा, व्हाट इज अ ए इज कॉल्ड एज ए अरेनियस फैक्टर और अरेनियस कॉन्स्टेंट बेटा, ई जो है ना इट इज अ एक्सपोनेंशियल पावर है, इट इज़ ए एक्सपोनेंशियल पावर, एंड व्हाट इज ए ई ए, दिस ई ए इज कॉल्ड एज ए एक्टिवेशन एनर्जी। बट आपको ये थोड़ा एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में मालूम होना चाहिए, व्हाट इज दैट, एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब जितनी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतना ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा, ऑलवेज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड आर इज ए यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट बेटा, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, और ये यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट एनर्जी के टर्म में जब यूज करोगे 8.314 जौल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स की वैल्यू डालना है। एंड बेटा टी जो होती है इट इज़ ए टेम्परेचर, एंड दैट टेम्परेचर इट मस्ट बी इन केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो प्लस 373 डाल दो, आपको ये आ जाएगा बेटा। ये टर्म्स के बारे में लिखा है, अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर भी कर दूंगा, बाय टेकिंग द लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड इट बिकम व्हाट, लॉग के बेटा इट इज इक्वल टू लॉग ए, और ये पावर पूरी नीचे आ जाएगी माइनस ऑफ ई ए बाय, बेटा जब लॉग लेते हो ना तो इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2.303 × r, राइट, और ये जो टेम्परेचर होता है यू कैन राइट एज ए टी और 1/t, ऐसा लिख सकते हो, मतलब ये जो आ रहा माइनस ई बाय 2.303 r इंटू 1/t। बेटा अगर आपको दो अलग अलग रेट कॉन्स्टेंट दे दिए, दो अलग अलग टेम्परेचर दे दिए, तो ये फॉर्मूले को आप ऐसा भी एक्सटेंड कर सकते हो, व्हाट इज दैट, लॉग के टू बाय के वन इट इज इक्वल टू ई ए बाय 2.303 टाइम्स ऑफ r, एंड इन द ब्रैकेट T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2। बेटा जो अलग अलग रेट कॉन्स्टेंट दे दें, वैल्यू डाल दो, डिफरेंट टेम्परेचर वो भी डाल दो,
आर की वैल्यू 8.314 जौल डाल दो, वी आर एबल टू कैलकुलेट व्हाट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन. अच्छा, ये जो आपको रेट कॉन्स्टेंट के दिख रहा है ना, इसके और एक पॉसिबिलिटीज बताता हूँ मैं. सुनो क्या है बेटा, अगर ये मेरे पास रेट कॉन्स्टेंट के हैं, दैट इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी है, तो इसकी पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ मैं. पॉसिबिलिटीज ये है, पॉसिबिलिटी नंबर वन बेटा, अगर 100% रिएक्टेंट कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट, समझ में आ रहा, 100% रिएक्टेंट कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट बेटा, उस केस में अपनी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू हो जाती है ज़ीरो. अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज़ीरो डालो तो बेटा ई की पावर ज़ीरो, मतलब इस केस में मेरा रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू अरेनियस फैक्टर हो सकता है. किसी को डाउट है? ये सवाल आपको पूछा जा सकता है. अगर किसी भी रिएक्शन का रिएक्टेंट 100% कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी हो जाती है ज़ीरो, और ई की पावर ज़ीरो मतलब पूरा ई ज़ीरो हो गया, और किसी की पावर ज़ीरो मतलब वन होता है. के इज इक्वल टू ए, इट इज़ अ फर्स्ट केस, राइट. सेकंड केस बेटा ये भी हो सकता है, अगर अगर टेम्परेचर आपको मेंशन कर दिया इट इज इन्फिनिटी, टेम्परेचर इनफाइनाइट है, पॉसिबल नहीं होता है बट बता रहा हूँ भाई, टेम्परेचर इनफाइनाइट है, तो टेम्परेचर अगर इनफाइनाइट हो तो ई की पावर ज़ीरो हो जाएगी, और किसी की पावर ज़ीरो होना मतलब यहाँ पर मेरा रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, इट इज़ आल्सो इक्वल टू ए. व्हाट इज ए रेट कॉन्स्टेंट? इज इक्वल टू अरेनियस फैक्टर्स. इज इट क्लियर? ये मैं जस्ट इसके बारे में बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है. लिख दो बेटा यहाँ तक. नाउ मैंने यहाँ पे कब कब आपका के इक्वल टू ए होता है वो बताया बेटा. बेटा के मतलब रेट कॉन्स्टेंट इक्वल टू अरेनियस फैक्टर कब हो सकता है? अगर आपका 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, के इक्वल टू ए होता है. क्यों? अगर 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी ज़ीरो, बेटा इसकी वैल्यू ज़ीरो, मतलब ये स्मॉल ई जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ना, इसकी पावर ज़ीरो, किसी की पावर ज़ीरो बन जाती वन. दूसरा, टेम्परेचर अगर इनफाइनाइट हो जाए तो भी बेटा ई की पावर ज़ीरो होती है, के इक्वल टू ए. और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, आई एम राइटिंग हियर बेटा, अगर टेम्परेचर आपका वेरी लो आ जाए, वेरी लो टेम्परेचर आ जाए बेटा, वेरी लो टेम्परेचर में ई की पावर ज़ीरो नहीं होती है, बिकॉज आपको मालूम लो टेम्परेचर अगर हो जाए तो इसको डिफरेंस करके आप सॉल्व करो. यहाँ पर देखो बेटा, टेम्परेचर अगर लो आ जाए तो यहाँ से ए से सम वैल्यू हम रिड्यूस कर देंगे, तो ए की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, दैट मीन्स के नेवर बी इक्वल टू ए. ये याद रखना बेटा, के कब कब इक्वल टू ए हो सकता? 100% रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट में हो सकता. टेम्परेचर अगर आपकी इनफाइनाइट हो गई, के इज इक्वल टू ए हो सकता, लेकिन टेम्परेचर अगर लो आ जाए, के इज नॉट बी इक्वल टू ए. बेटा और एक होता है, देखिए दिस ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, दिस इज कॉल्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसका मतलब है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इक्वल और ग्रेटर दैन बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर दैन एक्टिवेशन एनर्जी. इसका मतलब ये बेटा, ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, मतलब वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से कुछ ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी या तो इक्वल टू एक्टिवेशन होगी या तो ग्रेटर दैन एक्टिवेशन एनर्जी होगी. अगर आपको स्टेटमेंट ऐसे दे दें, व्हाट इज दैट, कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग एनर्जी बैरियर. अब बच्चों को ये वर्ड नए लग रहे हैं, व्हाट इज द एनर्जी बैरियर, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, राइट बेटा. अब ये कुछ आपको टर्म्स नए लग रहे हैं, तो व्हाट इज द एनर्जी बैरियर एंड व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी, मैं आपको ग्राफ में बता दूंगा, लेकिन एक बार ये समझ लो,
फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर बेटा इन दैट केस योर एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू जीरो. अब आप ही लगा दो बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी जीरो मतलब ई की पावर जीरो, मतलब मैं बोलूँ रेट कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू अरेनियस फैक्टर ए. तो देखो बेटा आपका अरेनियस फैक्टर दैट इज ए इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट कब कब होगा, व्हेन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर में होगा, व्हेन टेम्परेचर इन्फिनिटी होगा तब भी होगा, एंड व्हेन 100% रिएक्टेंट कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट में भी के की वैल्यू इक्वल टू ए होगा. मतलब यहाँ पर आपको ये एनर्जी बैरियर है क्या, मैं वहाँ थोड़ा एक छोटे से ग्राफ में बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि वो हमको कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट में बताते हैं, बट हमारा यहाँ अरेनियस फैक्टर चल रहा है. आई विल शो यू व्हाट डज इट मीन्स. देखिए बेटा ये है एनर्जी बैरियर, बेटा ये रहा एनर्जी बैरियर राइट, ये रही पोटेंशियल एनर्जी और ये रहा किसी भी रिएक्शन की कोऑर्डिनेट. जो रिएक्शन आगे चलता है ना वो उसकी रिएक्शन कोऑर्डिनेट है. बेटा ये रहा आपका रिएक्टेंट, ये रहा आपका रिएक्टेंट. बेटा ये रिएक्टेंट देखो अब भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट है, और जैसे ही इस लाइन को टच हो गया एनर्जी बैरियर अब वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में. तो किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए सबसे पहले कौन सी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, एनर्जी बैरियर. मैं तो वही बोला ना बेटा, उस टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं व्हेन दे क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर, और जैसे एनर्जी बैरियर क्रॉस कर लिया उस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी बिकम जीरो. और एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो गया अब आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में, और ये रहा आपका प्रोडक्ट बन गया. अब देखो बेटा यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए ये जो दिख रहा है ना दिस इज कॉल्ड एज ए एक्टिवेशन एनर्जी. बेटा ये ग्राफ मैं बताता हूँ, अगर ये ग्राफ मेरी विदाउट कैटलिस्ट में आती है तो विदाउट कैटलिस्ट में उसने इतना लंबा पाथ लिया, अगर मैं इस रिएक्शन में थोड़ा कैटलिस्ट डाल दूँ तो रिएक्शन ऐसा जाके सीधा सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. और ये जो डॉटेड लाइन है ये वाला ग्राफ बता रहा है ये इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. बेटा जो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में देखो एक्टिवेशन एनर्जी पहले इतनी थी, अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी बेटा, कम हो गई. मतलब मैं इसे ई ए डैश लिखता हूँ. कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया. इसलिए हम बोलते हैं बेटा एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आर ओ आर. और बेटा एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे किया जा सकता है, बाय एडिंग द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट डाल दो एक्टिवेशन एनर्जी अपने आप कम हो गई, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का कम होना मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ना. तो बेटा ये एक्टिवेशन एनर्जी कम कब हो सकती है, बाय एडिंग द कैटलिस्ट. और एक्टिवेशन एनर्जी आपको यहाँ दिख भी रहा है, और जो भी आपका रिएक्शंस या रिएक्टेंट इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा तो बेटा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. इसीलिए बोला जाता है अमंग दिस ऑल दी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उन्होंने एनर्जी बैरियर क्रॉस कर लेते हैं तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाती है. इन दैट केस ऑल्सो योर वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए. तो ये याद रखना बेटा रेट कॉन्स्टेंट और अरेनियस कॉन्स्टेंट कब कब इक्वल हो सकती है, एट इनफाइनाइट टेम्परेचर, सेकेंड वन 100% रिएक्टेंट कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट, एंड थर्ड वन व्हेन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉसिंग द एनर्जी बैरियर. इन तीन केसेस में आपका वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए हो सकता है. लेकिन अगर आपका टेम्परेचर वेरी लो आ जाए इस केस में के नेवर बी इक्वल टू ए. ठीक है लिख दो बेटा इसे. बेटा यहाँ पर बोल रहा है कि ग्राफ बिटवीन लॉग के वर्सेस 1/T बोल रहा है, एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन मेंशन भी किया. देखो इट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड द स्लोप ऑफ द लाइन चार ऑप्शन में दे दिया है. बेटा ये ऐसा देख के आपको नहीं लग रहा कि ये कुछ ना कहीं अपना अरेनियस इक्वेशन है, के इक्वल टू ए इन टू ई की पावर ऑफ माइनस ई ए बाय आर टी. फिर आप इसे लॉग ले लो भाई तो ये आएगा लॉग के दैट इज इक्वल टू लॉग ए, और ये पूरा टर्म बाहर आ गया माइनस ऑफ ई ए बाय 2.303 आर इंटू टी को मैं 1/T लिख सकता हूँ. अब उसने बोला ग्राफ बिटवीन लॉग के अगेंस्ट 1/T. देखो बेटा मैं लॉग के वाई वाली एक्सिस में लिख रहा हूँ और एक्स वाली एक्सिस में मैं 1/T लिख रहा हूँ. तो आप इसको ऐसे करो ना भाई, ये वाली वाई एक्सिस में आ गया, ये 1/T अपनी एक्स में आ गई, मतलब ये क्या हो गया आपका स्लोप एम, और ये क्या हो गया बेटा आपका इंटरसेप्ट सी.
तो मैं वाई पे लॉग के लगा दिया, एक्स पे 1/t लगा लिया, और बेटा ये मेरी कैसी है, स्लोप इज अ एम, इंटरसेप्ट इज ए के, नेगेटिव स्लोप है ना भाई, तो नेगेटिव स्लोप को ऐसे लेते हैं जहाँ कट गया वो आपकी इंटरसेप्ट है। क्या इंटरसेप्ट है भाई, लॉग ए, राइट। और इस लाइन की जो मैं स्लोप निकालूंगा थीटा भाई, वो स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा होगी, और टैन थीटा इज इक्वल टू ये वाली स्लोप, व्हाट इज दैट, माइनस ई ए बाय 2.303 आर। ढूंढो, ऑप्शन टू इज करेक्ट। बेटा अगर वो इन टर्म्स ऑफ एल एन पूछे ना, तो इन टर्म्स ऑफ एल एन मतलब नेचुरल लॉग टू द बेस ई में माइनस ई ए बाय आर हो जाती है, पर वो इन टर्म्स ऑफ लॉग पूछ रहा है तो माइनस ई ए बाय 2.303 आर हो जाएगा, एज द ऑप्शन शुड बी सेकेंड वन। लिख दो इसे बेटा, ये क्वेश्चन देखो, सेम अरेनियस इक्वेशन से आ रहा, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज गिवन, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन दिया, कितना 1.5 × 10⁻⁷ एट 50 डिग्री, मतलब यहाँ पर मैं लिखूँ, यहाँ पर K1 की वैल्यू दे दिया 1.5 × 10⁷ सेकेंड इनवर्स एट टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड T1 एंड दिस मच, मतलब रेट कॉन्स्टेंट K2 की भी वैल्यू दे दिया 4.5 × 10⁷ सेकेंड इनवर्स एट टेम्परेचर T2 कितनी आ रही, 100 डिग्री। टेम्परेचर बेटा हमेशा केल्विन में हो, 50 + 273 करा लो, और ये 100 + 273 करा लो बेटा, 50 + 273 एंड 100 + 273 करा लो, ये आएगा 373 केल्विन, और ये आएगा 7, 5, 12 323 केल्विन, राइट। दो वैल्यूज आ गए। अब यहाँ पर आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, फॉर्मूला जानते हो क्या है, लॉग K2 बाय K1 इट इज इक्वल टू, व्हाट इज दैट बेटा, लॉग K2 बाय K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी EA बाय 2.303 × R, ब्रैकेट में क्या था बेटा, T2 - T1 बाय T1 × T2। चलो वैल्यू डालो, आंसर आ जाता, लॉग K2 4.5 × 10⁷ बाई K1 1.5 × 10⁷ बेटा, ये कट गया, ये कट के 3 times आ जाती है, इक्वल टू EA निकालनी है बाय 2.303, आर की वैल्यू 8.314 जूल, टेम्परेचर T2 देखो कितना है बेटा 373 - 323, डिफरेंस 50 का है, और T1 323 × 373, राइट। दैट मीन्स इसको सॉल्व करो बेटा, लॉग 3 की वैल्यू कितनी आ रही 0.4770 इंटू, ये पूरे टर्म ऊपर ले लो 2.303 × 8.314 बाय, ये डिफरेंस कितना है 50 का है 50 बेटा, इंटू ये सारे टर्म ऊपर आएंगे 323 × 373 दैट इज इक्वल टू EA, और सॉल्व कर लो सर, EA इज इक्वल टू कितना आता है 221230 जौल पर मोल 1234 दैट इज इक्वल टू 2.2 × 10⁴ जौल पर मोल इज ए वैल्यू ऑफ व्हाट, एक्टिवेशन एनर्जी। देखो बेटा ये ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, राइट, लिख लो बेटा इसे।